हम लोग यहाँ पे हैं लगभग गोनी खान के गेट पे, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, और यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आज शायद कोई फंक्शन है और विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए आइए नज़दीक से देखिए। ये गेट है, देखिए गेट से आप समझ सकते हैं अंदर कॉलेज कितना बढ़िया होगा, वहाँ आप हम अंदर भी ले चलेंगे, पहले आप ये गेट देखिए गेट से आप व्यू देखिए देखिए यहाँ पे देखिए काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, अंदर आपको ले चलेंगे अभी थोड़ा देर में। देखिए दोस्तों हम ये नज़दीक से दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, देखिए आप चलते चलते देखिए। पता नहीं अभी नाम तो नहीं दिया है, बिल्डिंग बहुत सारा बना है लेकिन नाम सारा नहीं दिया है कभी कि कौन सा क्या। चलो चलिए बहुत ही बेहतरीन, देखिए कॉलेज का डिज़ाइन देखिए, मॉडल देखिए, हाई गजब को बना रखा है। चलिए आगे चलते रहिए, दिखाते हैं आपको। आज हम आ गए हैं आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हम आए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कितना बढ़िया बनना बन रहा है अभी। ठीक है देखिए जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आओ इधर लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद हॉल। ठीक है ये पता नहीं क्या लगभग मेरे को लगता है गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है इधर देखिए दो बिल्डिंग है, एक लगभग शायद से लेडी टीचर के लिए है और एक जेंट्स टीचर के लिए, काफी गजब का बिल्डिंग बना, पता नहीं इतना टीचर होगा भी कि नहीं, लेकिन रूम बहुत सारा दिख रहा है। अब इधर देखिए इसमें इतना ज़्यादा काफ़ी बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी इतना भयंकर तरीके से गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रहा है जिसका हाथ में, मैंने इसका लगभग मैप देखा है काफ़ी बेहतरीन बना रहा है लेकिन अभी तक शुरू किया है। देखिए अलग अलग कलर किया, अलग अलग बहुत ही बेहतरीन, बहुत बड़ा कॉलेज है लेकिन स्टूडेंट का कमी है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ये लगभग मालदा में है, वेस्ट बंगाल नानपुर में गोनी खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे करके एक कॉलेज है वहाँ पर है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, डिप्लोमा वगैरह कुछ करना है तो आइए और इस कॉलेज का मजा लीजिए। थैंक्स। यही पे है अभी देखिए जो दिखाया आपको गर्ल्स हॉस्टल करके, सामने देखिए टीचर वगैरह का मैंने दिखाया था, नज़दीक आपको लेके आए हैं। देखिए टीचर का लगभग रहने वाला गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया है, और यहाँ पर देखिए शायद बच्चों को नहाने के लिए या फिर पता नहीं किस काम के लिए है, शायद नहाने के लिए होगा, स्विमिंग पूल बना रखा है। आप लोग आइए और मजा कीजिए यहाँ पे। देखिए हम लोग वापिस से बाहर जाते हुए अब